लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने एक दिवसीय दौरे पर कांगड़ा पहुंचे। लोकसभा चुनावों के उपरांत पहली बार कांगड़ा पहुंचने पर भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का गग्गल हवाई अड्डे पर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री पद की चाह पाले भाजपा विधायकों एवं धर्मशाला विधानसभा में उपचुनाव में टिकट के तलबगारों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने एक दिवसीय दौरे पर कांगड़ा पहुंचे। मुख्यमंत्री कांगड़ा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के वार्षिक समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत का श्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी एवं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये चुनाव पूरे देश के साथ साथ प्रदेश के लिए भी ऐतिहासिक रहे हैं और इन चुनावों में पार्टी ने पिछले सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सभी लोकसभा सीटों को 3 लाख से भी अधिक मतों से जीता है और सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को लीड मिली है। ये चुनाव जो है वो बहुत ऐतिहासिक चुनाव रहा पूरे देश भर के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए भी बहुत ऐतिहासिक रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि इस चुनाव में जो रिकॉर्ड आज से पहले जो स्थापित थे वो तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं। 68 विधानसभा क्षेत्र में सब जगह जीत भाजपा की और पूरे देश भर में वोट शेयर जो है 70% के लगभग जो है नंबर एक पर हिमाचल का और चारों सीटों पर जीत का अंतर जो है वो 3 लाख से ऊपर का। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये जीत का श्री मोदी जी को जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से उन्होंने काम किया और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी को जाता है। और मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ जो बहुत जबरदस्त जनादेश उन्होंने जो है वो मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और एक साल के भीतर इस समस्या से भी निजात मिल जाएगी। पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक अनिल शर्मा पर कार्रवाई को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। इसको लेकर के ज़्यादा कहना उचित नहीं है, परिस्थितियां कुछ तरह की हैं लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल पूरे देश भर में बहुत छोटा प्रदेश होने के बावजूद हमारे पास यहाँ पर 6 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में है और पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज अगर कहीं किसी प्रदेश पर वो हिमाचल प्रदेश में। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ों का आपको जो है ना पूछने की ज़रूरत रहेगी ना ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम जो सारी चीज़ों को जितनी भी औपचारिकता रहती है इनको पूरा करने की परिस्थिति होगी। शर्मा के लिए अनिल शर्मा अब जहाँ है पता करेंगे हम क्या खाना सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निपजीत निप्पी की रिपोर्ट।